अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सुबह और शाम तीन मरतबा सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें चाहिए कि हम सुबह शाम इसका एहतमाम करें, अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और खाना पकाने का दिल नहीं चाहता, तो आज कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारे फ्रिज में कि हमारा दिल ना चाहे तो हम कुछ भी अपने फ्रिज से निकाल के इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी हरी मिर्च फ्राई। चलो देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च मैंने ये ली है बड़ी वाली, और हरी मिर्च ये एक पाव के बराबर ली है। दो अदद मैंने नींबू लिए हैं। हरी मिर्चों को मैं सुखा के मतलब धो के रख दी हुई है, उसको साफ करके बीच में से इसमें काट लूँगी। राई मैंने ली है 1 टीस्पून, मेथी दाना लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और कलौंजी लिए 1/4 टीस्पून, हल्दी मैंने लिए 1/2 टीस्पून, नमक लिया है मैंने हसब ज़ायका, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, साबित धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के, खटाई पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून भर के, और सौंफ मैंने लिए 2 टेबल स्पून भर के। साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और साथ में ये ड्राई, और इसको मैं पीस लूँगी। आगे मैं दिखाती हूँ फिर। ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया इसको और राई, इसको हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको पीस लिया है मोटा मोटा दरदरा। इसमें सारे मसाले डाल देंगे, खटाई पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और ये 2 नींबू मैंने निचोड़ लिए, इसका रस डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लूँगी मैं, और मिर्चों में भर लेती हूँ इसको, मैं दिखाती हूँ आगे। ऑयल मैंने तकरीबन 3 सर्विंग स्पून लिया है, और मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको पहले गर्म करके इसका वो जो धुआं होता है वो निकाल दिया है। ये देखिए मिर्चें मैंने सारी इस तरह से भर ली है, इसको फ्राई कर लेंगे। और जो थोड़ा सा मसाला बच गया था, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको भी डाल दूँगी, और इसको ढक के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया, और एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बस दूसरी तरफ से भी इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको ढक के रखा था, और इस पर एक अभी मैंने ये पलट दिया, ये देखें अच्छे से हो गई है। अब दूसरी तरफ से पलट दिया, ये दूसरी तरफ से भी इस तरह से हो जाएंगे। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी बस 1 मिनट बाद, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। झटपट से हमारी मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं। मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें फ्राई तैयार हैं, और बहुत झटपट बनने वाली है ये। तकरीबन 4-5 मिनट लगे मुझे इसको बनाने में, और बना के रख लीजिए। तकरीबन 10 रोज़ तक अपने आप खा सकते हैं इसको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।